नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे का शव बरामद हुआ है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे का शव बरामद हुआ है। कमरे में मिला अभिजीत यादव का शव, रमेश यादव है यूपी विधान परिषद के सभापति, उनके बेटे का शव बरामद हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूपी विधान परिषद के सभापति के बेटे का शव मिला है। कमरे में मिला अभिजीत यादव का शव, रमेश यादव है यूपी विधान परिषद के सभापति, उनके बेटे का आज शव बरामद हुआ है। दारुलसफा कॉलोनी में ये पूरा हादसा, लखनऊ की ये खबर, जहां पर यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे का शव बरामद हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे का शव बरामद हुआ है। कमरे में अभिजीत यादव का शव मिला है। रमेश यादव है यूपी विधान परिषद के सभापति, उनके बेटे का शव बरामद हुआ। दारुलसफा कॉलोनी के बी ब्लॉक में ही अभिजीत का कमरा था, वहीं पर उनका शव बरामद हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के बेटे, उनका शव बरामद हुआ है। दारुलसफा कॉलोनी के बी ब्लॉक में ही अभिजीत का कमरा था, वहीं पर उनका शव बरामद हुआ है। विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। विशाल, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, विधान परिषद के सभापति हैं रमेश यादव, उनके बेटे का शव मिला है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि नेचुरल मौत है, और चूंकि जब शव मिला था तो परिवार के जो सदस्य थे वो बाहर गए हुए थे। ऐसे में लखनऊ के दारुलसफा कॉलोनी में ये पूरा शव मिला है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहीं पर अभिजीत यादव जो हैं, घर का नाम मिक्की बताया जा रहा है, वो यहाँ पर रहते थे और फिलहाल उनकी डेथ हो गई है। और कुछ देर के बाद जो सभापति हैं, हो सकता है कि वो यहाँ पर आए, लेकिन विधान परिषद के सभापति थे, ऐसे में रमेश यादव तो जो शव मिला उसके बाद पुलिस जो है उसने तहकीकात की। पुलिस का जो कुछ दावा है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन ये कह सकते हैं कि नेचुरल डेथ पुलिस कह रही है। और फिलहाल अभी जो विधान परिषद के सभापति हैं वो नहीं आए, लेकिन परिवार जो है इस वक्त शोक में है, क्योंकि एक कहते हैं बड़ा झटका होता है परिवार वालों का। और यही वजह है कि फिलहाल जो शव है उसके मिलने के बाद पुलिस ने जो तफ्तीश की उसमें पुलिस जो है वो नेचुरल डेथ बता रही है अभी। जी बिल्कुल, और परिवार तो इस वक्त सदमे में होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन विशाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? नहीं, अभी देखिए, चूंकि अभी अभी का मामला है तो तुरंत ही पुलिस को बताया गया है, पुलिस पहुंची थी और पुलिस ने जांच पड़ताल, चूंकि मामला जो है विधान परिषद से जुड़ा हुआ है, ऐसे में विधान परिषद के जो सभापति हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला पूरा ये है, इस वजह से उनको इंतजार किया जा रहा है उनका। रमेश यादव जो विधान परिषद के सभापति हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि नेचुरल डेथ थी और इसी वजह से जो परिवार वाले हैं उनको सूचित कर दिया गया है। और अभी फिलहाल जो शोकगुल परिवार है वो यहाँ मौजूद है, धीरे धीरे जैसे जैसे खबर मिल रही है वैसे वैसे लोग यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं। लेकिन सबको इंतजार है कि विधान परिषद के जो सभापति हैं रमेश यादव वो कब तक यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल विशाल, और इस बारे में इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को किसने दी, और क्या कोई चश्मदीद किसी ने आते जाते वक्त उस कमरे में अभिजीत को देखा हो जो ये बता सके कि असली वजह क्या हो सकती, या कुछ भी रीजन कुछ पता चल पाया? नहीं, देखिए अभी तक कोई भी जानकारी किसी के पास नहीं है, पुलिस के हाथ भी बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि कमरे में शव मिला है, ऐसे में परिवार वाले जो है काफ़ी शोकगुल थे। यहाँ की जो चौकी है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद कोई बयान जारी करें। हालांकि पुलिस जो यहाँ के लोकल चौकी इंचार्ज, उनका दावा है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन अभी पुलिस बड़े जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो सभापति हैं रमेश यादव उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, उसके बाद कुछ कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल ऊपर को नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि शोकगुल परिवार जो है इस वक्त मौजूद है और बस इंतजार किया जा रहा है कि बड़े अधिकारी जो है पुलिस के आए, उसके बाद कोई आधिकारिक बयान जो है वो जारी किया जाए। जी बिल्कुल, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य, आपकी कोई बातचीत हुई हो या पुलिस अधिकारी की वहां पर किसी से भी बातचीत हुई हो और कुछ पता चल पाया कि क्या कुछ वजह रह सकती है?
नहीं देखिए, अभी फिलहाल पुलिस का जो कहना है, पुलिस का जो दावा है कि नेचुरल डेथ हुई है, तो ऐसे में अगर नेचुरल डेथ होती है तो फिर तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कोई जरूरत नहीं, क्योंकि परिवार की तरफ से कोई कंप्लेंट भी नहीं की गई है। तो फिलहाल पुलिस अभी इस दिशा में ही अपनी जो है जाँच कर रही है कि नेचुरल डेथ है। अभी कुछ जो क्लियर हो पाएगा जब पुलिस के बड़े अधिकारी या खुद सभापति रमेश यादव यहाँ पहुँचेंगे, चूंकि शोक का क्षण है और किसी के घर से उसके बेटे का चले जाना अपने आप में काफ़ी शोकगुल होता है, और शोक के क्षण में फिलहाल परिवार जो है इस वक्त काफ़ी दुखी है, और इसी वजह से अभी किसी को ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी ऊपर नहीं जाने दिया जा, चूंकि बड़े अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है, साथ ही साथ सभापति का इंतजार किया जा रहा है कि उसके उनके आने के बाद ही कुछ जो आगे का जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि जो डेथ है वो नेचुरल है, हालांकि अभी तक कोई कंप्लेंट भी नहीं की गई है थाने में, तो फिलहाल अभी देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, तो यूपी विधान परिषद के सभापति हैं रमेश यादव, ऐसे में कौन से बड़े अधिकारी और नेता वहां पर पहुंचे हैं? विशाल, आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर के बाद जो लखनऊ कप्तान है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, और जो सभापति हैं रमेश यादव वो भी कुछ देर के बाद जैसे कि बताया गया है कि वो भी पहुँच सकते हैं। फिलहाल जैसे जैसे जिसको जिसको जानकारी मिल रही है, जो परिवार वालों को, दोस्तों को अभिजीत के, वो सब लोग धीरे धीरे यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, और चूँकि एक कह सकते हैं दुख का क्षण है और पूरा परिवार शोकगुल है, तो ऐसे में लोग जो है दिलासा दे रहे हैं, और पुलिस जो है वो उसका कहना है कि नेचुरल डेथ हुई थी, ऐसे में जो बड़े अधिकारी उनको सूचित कर दिया गया है, और जो चौकी इंचार्ज कहना है कि थोड़ी देर के बाद बड़े अधिकारी जो पुलिस के हैं वो आएंगे और आधिकारिक बयान जो है वो जारी करेंगे। विशाल, आसपास की अगर तस्वीरें कुछ आप वहां पर हमको दिखा सके, जिस जगह पे ये बॉडी बरामद हुई है वहां की आसपास की तस्वीरें दिखाइए, और वो इलाका कैसा था ये बताइए। देखिए, ये सरकारी कॉलोनी है, ये राज संपत्ति विभाग की तरफ से आवंटित की जाती है। मैं आपको दिखा दूं कि दारुलसफा का ये इलाका है, यहीं पर जो कमरा था वो आवंटित था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूरा ब्लॉक है और यहीं पर रहते थे। चूंकि जो पुलिस कह रही है और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो नेचुरल डेथ बता रही है, लेकिन जब ये पूरी घटना हुई तो उस वक्त कौन कौन घर में था इस पर अभी बहुत ज़्यादा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो ये पूरा ब्लॉक है, यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं और उनको आवंटित होता है, जो सरकारी कर्मचारी उनको आवंटित होता है, और ये दारुलसफा का ये बी ब्लॉक है, और सेकेंड फ्लोर पर अभिजीत रहते थे, और ये कह सकते हैं कि अभी कोई आधिकारिक बयान भले ही नहीं आया है, लेकिन हाँ अभी जो सबको इंतजार किया जा रहा है कि जो विधान परिषद के सभापति हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद कोई आधिकारिक बयान जारी करेंगे। हालांकि जो परिवार है वो काफ़ी शोक में है, चूँकि किसी के घर से उसका चिराग चला जाना अपने आप में काफ़ी शोक वाला क्षण होता है, और यही वजह है कि जो परिवार है वो इस वक्त दुख की घड़ी में है, और तमाम जो उसके परिवार है वो लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं, और ये कह सकते हैं कि इस वक्त शोक की घड़ी में जो उनको दिलासा है वो दे रहे हैं। हालांकि अभी इंतजार किया जा रहा है रमेश यादव जी का, जो विधान परिषद के सभापति हैं वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ही कुछ आगे के क्या कुछ आधिकारिक बयान होता है, क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। जी बिल्कुल विशाल, और पुलिस की अब तक की जांच कार्रवाई में क्या कुछ निकल के सामने आया, क्या उन्होंने फोन रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश की, शायद उस वहां से कुछ सुराग मिल सके? नहीं देखिए, चूंकि मामला जो है विधान परिषद के सभापति से जुड़ा हुआ है, ऐसे में जो यहाँ के लोकल चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दे दी है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनको नीचे ही रोक दिया गया है, उनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, और अभी जो है आगे क्या कुछ जाँच होगी ये पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं कप्तान हैं वो यहाँ पर आके तय करेंगे। लेकिन अभी सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि रमेश यादव यहाँ पर आएँ, और उसके बाद ही कुछ आगे की कार्रवाई जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल विशाल, और ये जो अभिजीत यादव है, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा, इनका रिकॉर्ड क्या कुछ रहा, इसके बारे में कुछ जानकारी? नहीं देखिए, अभी बहुत ज़्यादा नहीं जानकारी पाई, लेकिन हाँ ये कहा जा रहा है कि इनके एक और भाई थे, साथ ही साथ ये जो है यहाँ पर जो लोग काफ़ी टाइम से रह रहे थे, उनको यहाँ पर रूम मिला था विधान परिषद की तरफ से, जो रमेश यादव जी को उसके रूम आवंटित था, तो उसमें ये रह रहे थे, और ये कहा जा रहा है कि इनके परिवार में कुछ लोग राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली अभी बहुत कुछ जानकारी इसलिए नहीं आ पाई है, चूँकि अभी भी इंसिडेंट है, ऐसे में अभी सिर्फ धीरे धीरे परिवार के लोगों को सूचित किया जा रहा है, और परिवार के लोग ही धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और इंतज़ार कर जा रहा है कि रमेश यादव, चूंकि किसी को भी ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में इनके पूरा बैकग्राउंड क्या था, रमेश यादव जी के अलावा कौन कौन परिवार में थे, उस वक्त घटना जब हुई थी कौन था, अभी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो डेड बॉडी मिली है उसके बाद
पुलिस का ये दावा है वो कि नेचुरल डेथ हुई है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि रमेश यादव जी यहाँ जब आएंगे उसके बाद कुछ एक बड़ा आधिकारिक बयान या कुछ एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, अभिजीत यादव के अगर जो दोस्त है, अगर जो पुलिस की टीम है, जो भी जांच टीम वहां पर लगी हुई है इस पूरे केस को, इस मसले को सुलझाने के, तो उनके अभिजीत यादव से अगर दोस्त से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें तो पता चल सकता है कि क्या कुछ वजह रही होगी, क्या उन्हें कुछ टेंशन था या कुछ भी सुराग मिल सकता है उन्हें। नहीं देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी की घटना है, उसके बाद तुरंत ही परिवार वालों को बुलाया जा रहा है और परिवार वाले धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी तक कोई जो उनके लोग थे वो सेकंड फ्लोर पर ही हैं, किसी को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से जो परिवार है वो शोकगुल है, अभी कोई बात करने की स्थिति में नहीं है और कोई भी अभी बात नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि तमाम जो दोस्त यार हैं और जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी चूंकि मामला थोड़ा सा संदिग्ध है और पुलिस हालांकि दावा कर रही है कि नेचुरल डेथ है, लेकिन चूंकि इंतजार किया जा रहा है विधान परिषद के सभापति रमेश यादव जी का कि वो यहां पर आते हैं, उसके बाद कुछ आधिकारिक जो बयान है वो जारी किया जाएगा। अभी पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, ऐसे में क्या कुछ निकल के आएगा ये भी थोड़ा सा समय ले जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बात करें तो ये सेकंड फ्लोर पर रहते थे बी ब्लॉक में, और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई, क्या बड़े अधिकारी कुछ कहते हैं ये देखना, क्योंकि अभी तक फिलहाल लखनऊ के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो यहां नहीं पहुंचे हैं, और अभी चूंकि घटना थी तो ऐसे में जो तमाम जो दोस्त यार हैं उनको जो जानकारी जा रही है, परिवार वालों को जानकारी दे रही है और धीरे धीरे लोग पहुंचना शुरू हो रहे हैं। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं, अभी ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा मामला है, तो ऐसे में अभी कुछ देर के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या कुछ हुआ था। लेकिन पुलिस का यह दावा है कि यह नेचुरल डेथ है, और जब यह डेथ हुई थी तो रूम में जो है अभिजीत थे और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। अभी थोड़ा सा ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और उस वक्त जब डेथ हुई थी तो कौन कौन के साथ था, ये सब तमाम चीज़ें हैं जिन पर अभी जांच की जाएगी। लेकिन हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि जो पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें उसका ये कहना है कि नेचुरल डेथ है। अभी इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि विधान परिषद के जो सभापति हैं रमेश यादव वो यहाँ पर आएंगे, उसके बाद कोई आधिकारिक बयान जो है वो जारी होगा। बिल्कुल विशाल, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। आप इस केस में नजर बनाए रखिए, हम आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।